बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिगड़े रिटायर्ड खालिद उमा, सुबह मैंने एक वीडियो पहले बनाया है। ईस्ट पाकिस्तान हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव 1757 टू 1971, और मैंने 1757 बैटल ऑफ प्लासी वर्ड कह के खत्म किया था। अब बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ और वो बैटल क्यों हुई? ब्रिटिश बंगाल में एक्सपेंड करना चाह रहे थे और उस वक्त के जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला, ये बंगाल पे हुकूमत कर रहे थे। इनके आर्मी कमांडर का नाम, कमांडर चीफ बंगाल आर्मी का, मीर जाफर था। मीर जाफर कहते हैं कोमिला में पैदा हुआ, जो आजकल बांग्लादेश में है। और जब ईस्ट पाकिस्तान हमारे पास था तो ये पाकिस्तान आर्मी का कंटोनमेंट था, जो त्रिपुरा और उनके जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको फेस करता था। तो ये कहते हैं कि यहाँ पैदा हुआ, ये फैमिली इराक से आई हुई थी। ये बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनका आर्मी कमांडर था, ये ब्रिटिश के साथ कंस्पायर कर रहा था। सिराजुद्दौला ब्रिटिश के कॉलोनाइजेशन और एक्सपेंशन के लिए बंगाल में और उससे आगे उड़ीसा और बिहार की तरफ बढ़ने में रुकावट था। ही वॉज अ हर्डल, एंड लाइक द कॉलोनाइजर्स, द सुपर पा और एनीबडी हु इज अ कॉन्करर लाइक टू रिमूव अ हर्डल, देन इट ट्राइज टू क्रिएट ट्रेटर्स, गद्दार अंदर से, जिनको मैं बोलता हूँ द डोर ओपनर्स, द वंस हु ओपन द गेट्स ऑफ द फोर्ट। सो मीर जाफर में वो बंदा इनको मिल गया। इन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें बंगाल की हुकूमत दे देंगे अगर तुमने हमारे साथ मिल गए बैटल से पहले या बैटल के दौरान। तो जब बैटल शुरू हुई, ब्रिटिश आर्मी आगे इन्फेंट्री थी, पीछे कैवलरी थी, और इनकी भी इसी तरह इन्फेंट्री आगे कैवलरी, कैवलरी और जो रिजर्व, इसका कमांडर था मीर जाफर गद्दार। अब मैं वीडियो के दूसरे हिस्से में